बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अफलीशान और आप देख रहे हैं अफलीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें स्टूडेंट नहीं मिलते। स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते। हम उनको वजह ये क्या होती है कि हम उनको दुरुस्त तरीके से पढ़ा नहीं रहे होते, इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट भाग जाते हैं। तो स्टूडेंट को समझना और उनको समझाना एक बहुत अहम और लाजमी जुज़्व होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि हम जब लैपटॉप पर पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ किया ये कोई सबक है, तो हम उसको जनाबे वाला माउस से कह दें बेटा ये पढ़ो। लेकिन एक मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसकी मदद से आप बच्चे को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, बेटा ये सबक पढ़ो। फ़र्ज़ किया ये लफ्ज़ पोस्ट लिखा हुआ जहाँ पर मेरा सर्कल आ रहा है। एक तरीका यह है कि मैं माउस से बोलूँ बेटा ये क्या है। एक तरीका ये है कि बच्चे को बोलो भाई इतना लफ्ज़ पढ़ो या इतने चीज़ पढ़ो। तो ये हम जनाबे वाला किस तरीके से बच्चे को ये कह सकते हैं, ये कौन सा मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने पास जो मौजूद नूरानी कायदा, फ़र्ज़ किया बच्चे का नूरानी कायदा पे सबक है यहाँ पे। एक तरीका ये है कि बच्चे को बोलना ये पढ़े। दूसरा तरीका ये है कि बेटा ये देखो इतनी जो चीज़ है इसको बा बोलते हैं, इतनी जो चीज़ है इसको अलिफ बोलते हैं, या इतनी जो चीज़ है ये ता है, इतनी जो चीज़ है ये दाल है, ये इसके ऊपर नुकता है और ये जाल, इसलिए इसको बोलते हैं वगैरह वगैरह। खैर, बात करने का मकसद ये है कि अगर आप से स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आप इस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करें, इससे बच्चे को समझने और समझाने में आसानी मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे साथियों के जहन में ये सवाल है कि पता नहीं कुरान पाक कौन सा होता है जो हमें नहीं समझ आती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, भाई कोई प्रोफेशनली कुरान पाक नहीं होता, नॉर्मल जो हमारे पास JPG फाइल जो होती है, ये इस तरह हमारे पास जो है कुरान पाक मौजूद होता है और इसी तरह हम अपने स्क्रीन शेयरिंग के जरिए पढ़ाते हैं। आप देखें, एक तरीका ये है कि बच्चे को बोलें ये जो चीज़ है इतनी ज़बर है। एक तरीका ये है कि बच्चे को बोलें कि भाई ये जो इतनी चीज़ है इसको ज़बर, हाईलाइट करके उनको बताएं, ये देखें, उसको बोले भाई ये चीज़ ज़बर है, ये जो नीचे चीज़ आ रही है ज़ेर है, ये जो इतनी चीज़ है ये अलिफ है और ये हा है और ये अलिफ है। मतलब इस सॉफ्टवेयर का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम बच्चे को एक एक चीज़ अलग करके तसल्ली से समझा सकते हैं कि बेटा ये फा है, ये काफ है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं या फिर ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में तसल्ली से समझाऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को जनाबे वाला इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप इस बारे में मालूम लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ। मेरे पास डाउनलोड में सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है, मैं अपने लैपटॉप के डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर का भाई नाम है जूम इट। इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल आसानी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको समझ नहीं आनी इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, तो इस वीडियो में मैं आपको इस्तेमाल करना भी सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जब डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद याद रहे कि ये जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल में इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल होगा। जिन साथियों के पास मोबाइल है, अगर वो मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस तरह का कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको मोबाइल के लिए भी अलग से एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आज वाला जो ट्यूटोरियल है वो कंप्यूटर या लैपटॉप वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप पे यहां पे मैं हाईलाइट करके बता दूं, ये जो चीज है ये इसका सेटअप है। आपने क्या करना है, इस पे डबल जैसे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये जनाबे वाला डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में। उसके बाद यहां पर वो पहली चीज ये पूछ रहा है कि आप जनाबे वाला इसका इस्तेमाल किस तरीके से करने हैं। यहाँ पे देखें कि आप अगर वो यहाँ पे वो बता रहा है, अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं Ctrl+2, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 दबाएंगे तो फिर आपका जो ये वाला सॉफ्टवेयर है वो आपका जो है हाईलाइट करना शुरू कर देगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और कीबोर्ड से मैं Ctrl+2 का बटन दबा रहा हूँ, ये देखें वैसे ही मेरा एरो शुरू हो जाता है। तो साबित हुआ अगर आप इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से Ctrl+2 एक वक्त में दबाएंगे तो आपका ये एरर जो है चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बात और जहन में रखें, जब आप देखें Ctrl+2 दबा लिए तो आपके पास इस तरह की हालत हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल दबाएंगे तो ये देखें इस तरह जो है लाइनें लगाना शुरू कर दी। लेकिन आप चाहते हैं इस तरह करके जो डिब्बे बने, तो फिर आपने डिब्बा बनाने के लिए
कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। मैंने इस वक्त कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है और कंट्रोल का बटन जैसे ही दबाता हूँ ये देखें लाइन भी सीधी लगाता है और डिब्बा भी बनाता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल को छोड़ दूंगा फिर ये देखें इस तरह गंद मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपने कंट्रोल का बटन दबा के इस फिर उसके बाद अगर बच्चे को आपने पढ़ा लिया फिर आपने आगे पीछे जाना है तो फिर आपने कंट्रोल प्लस आपके कीबोर्ड पे एक बटन होगा जिसका नाम होता है ESC। कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा ESC, लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड के ऊपर ESC का बटन लगा होगा। ठीक है, आपने जब इस टूल से बाहर जाना है तो आपने अपने लैपटॉप से कंट्रोल प्लस ESC दबाना है। देखिए मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस ESC दबाऊंगा ये देखें मेरा जैसे वैसे ही माउस बदल गया। फिर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस 2 दबाता हूँ ये देखें फिर मेरा माउस उसी हालत में आ गया, मतलब काम करना शुरू कर दिया। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि जब इस्तेमाल करना है तो आपने कंट्रोल प्लस 2 दबाना है और जब इस टूल से इस सॉफ्टवेयर से बाहर जाना है तो हमने अपने लैपटॉप से कंट्रोल प्लस ESC वाला बटन दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो फिर हमारा जनाबे वाला इससे हम बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज़, हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास बच्चा सबक पढ़ रहा है, ठीक है ये उसका सबक है, हम कह रहे हैं बच्चा पढ़ो बच्चे बेटा पढ़ो, उसको फिर भी समझ नहीं आ रही, हम इस चीज़ को बहुत ही करीब से बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने जनाबे वाला अपने लैपटॉप से Alt+1 दबाएंगे तो ये देखें लैपटॉप जहाँ पर आपका माउस होगा उस जगह से लैपटॉप आपका इंतहाई ज़्यादा जूम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने जो है जब इस्तेमाल करना है Ctrl+2 दबाना है, जब इस टूल से बाहर जाना है तो Ctrl+ASC दबाना है, और अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है Alt का बटन होगा ALT आपके कंप्यूटर पर लिखा होगा, ALT वाला बटन दबा के +1 का बटन दबाना है ALT+1, तो आपकी जहाँ पे माउस होगा वहाँ से स्क्रीन हाईलाइट हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।